खबर हैरान करने वाली ते चिंता करने वाली, क्योंकि जो तस्वीर असी तुहानू दसांगे, असी गुजारिश करदे हां कि कमजोर दिल वाले इस खबर नू ना ही वेखण ता चंगा, क्योंकि इस खबर दा दिखाउण दा साडा इक ही मकसद आ कि आखिर न्याणिया सियाणिया ते हर एक वर्ग ते आखिरकार मानसिक बोध इन्ना क्यों बद रहा कि लोग मौत नू गले लगा रहे हैं। क्योंकि ये सुसाइड नोट तुहाडी तस्वीर ते आ जिदे विच हिंदी दे अल्फाज पंजाबी दे विच संबोधित करते हुए एक बच्चे वालों अपनी माँ नू लिखे गए ते ये सुसाइड नोट दे विच जिक्र किया गया एक टीचर का भी। इस बच्चे ने यह भी कहा कि माँ मैनू माफ करे। आखिर यह बच्चा क्यों इन्नी भावुक गल कहना। इस सुसाइड नोट दे विच दस दिने कि जो भी मैं कीता है ते इस बच्चे ने लाखिर दे विच कार्टून बनाते हुए यह भी कहा कि मैं इस दे लई खुद जिम्मेदार हूँ। उन्हें इमोजी भी बनाई आ, कार्टून बनाया, कार्टून नू भी तुसी वेख सकते हो ते अपना नाम भी लिखा है जशन। ते इस दे नाल ही उन्हें तारीख भी बकायदा पाई आ। ते दस दईए कि अजकल दे बच्चे जेड़ा ये मुख कारण इस सुसाइड नोट दे दसण दा है उहदे विच कहा ये जा रहा कि पढ़ाई का इन्ना डर हावी हो गया सी इस बच्चे ते कि उसने मौत नू गले लगाना ही सही समझ। आखिर क्यों सुसाइड नोट दे विच की कुछ लिखा गया है ये भी तुहानू पढ़ के दसदा। लेकिन बच्चों ते पढ़ाई का डर ते इन्ना बड़ा कारण क्यों आखिर बन रहा, मानसिक बोझ इन्ना क्यों बढ़ रहा। हालांकि बच्चों के मापियां ने अपने बच्चों नू चंगी शिक्षा देने दे लई कोई कसर नहीं छड़ी आज तक, जेकर किसी नू भी वेख्या जाए, क्योंकि हर माँ प्यो पूरी कोशिश करता है भावें वह आप तंगी चल लवे तो वह सोचता है कि मेरे बच्चे चंगे स्कूले पढ़न, चंगी डिग्री हासिल करन ते जिंदगी दे विच चंगी पोजिशन ते पहुँचन। पर बच्चों नू पढ़वाई करवाउण दे लई उन्हां नू मेहनत मंजूरी करनी पवे, कुछ भी करना पवे, मापे करदे ने ताकि उन्हां दे बच्चे भविख दे विच जाके कुछ बन सकन। इहो जिहा एक मामला ये जिहड़ियां तस्वीरां तुहानूं दस रहे हां ये 17 साल 12वीं दे विच पढ़न वाले जशन दा जिन्हें सुसाइड नोट लिखा है ते उस दे पिता एक पलंबर दा काम करदे हन ते जदों भी उन्हू घरों स्कूले भेजते सी ते खुशी खुशी भेजते सी ते शाम तक जदों तक वो आ नहीं जांदा सी जिद्दां हर माँ प्यो इंतजार करता है रब पालदा है कि उहदा बच्चा कदों स्कूलों वापस आएगा ये भी उदा ही ਪਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 27 ਤਰੀਕ ਨਵੰਬਰ 2011 ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਜਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣ। ਬਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਖੇਲ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੇਲ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਗੱਮ ਮਾਰ ਗਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲਿਆ। 4:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਕੀ ਮੰਮੀ ਉਸਕੇ ਘਰ ਪੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਪੇ।
पड़ोसियों ने मार को फोन करके बुलाया। बात है मेशनगर छबियाला शाम 4 बजे का प्लम्बर का काम कर रहा हूँ, यारी मजदूरी अपने दूर का गाने बन्ने अपने बच्चे कभी नहीं जी अपने मेरी गल में बोला ये बारहवीं के पेपर दे रहा था सर। कल इसके माता पिता चले गए घर पे, ये अकेला घर पे था, बारहवीं पढ़ता था और ये पढ़ना ही चाहता था कि तो पहले यहाँ से जो हमारे बारे में सूचना मिली कहने लगे भी छत से गिर गया है। उसके बाद इसके पिताजी को बात पता लगी जैसे तो भी इसने अपनी पढ़ाई की वजह से तंग होकर पढ़ाई भी नहीं करना चाहता था और इसने अपना फांसी लगा दी। कोई सुसाइड नोट अभी तक तो हमारे नहीं है सर, कुछ 17 साल क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं, प्लम्बर काम। क्या नाम था मृतक का? मृतक का जसन था। कितने भाई थे ये? ये 2 भाई थे। तुसी सुनिया कि पीड़ित मापिया ने की कहा ते जांच रही कर रही पुलिस ने भी दस्या कि उन्होंने फोन आया सी ते सूचना मिली सी कि एक 12वीं दी जमात दे विच पढ़न वाले विद्यार्थी ने सुसाइड कर ली। पर ये सुसाइड नोट होर किन्ने के सामने आउणगे क्योंकि ये एक चलन की बनता जा रहा, कई सवाल खड़े होंगे ने वर्तमान दे विच चाहे कोई भी फील्ड होवे एहो जे मसले आए दिन ही सामने आते हैं। इन्हां ते अंकुश की कदों लगेगा ते किवें लगेगा क्योंकि ये अपने आप नूं पढ़ाउण दे लई उन्हां नूं कामयाब बनाउण दे लई मापे बहुत संघर्ष करते हैं, बच्चे भी बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अज पढ़ाई दे नाल नाल होर कई खेत्र ने चाहे जिदे विच जो भी चीज़ लई इंसान प्रयत्न करता है आखिर क्यों इन्नी मानसिकता ते बोझ पै जांदा है कि कोई एहो जिहा काम करदे हन। इहदे लई जिहड़े सूझवान ने जिहड़े मनोवैज्ञानिक ने वह भी तरह तरह के तौर तरीके दसदे ने कि अपने इस फ्रस्ट्रेशन नू इस मानसिक पीड़ा नू इस दर्द नू किवें घटाया जाए, लेकिन बच्चे नू असीं भी गुजारिश करदे हां कि इहो जिहे कदम ना चक्कण क्योंकि एहो जी कदम ना एक नाल कईयां दी जिंदगी ते कईयां नू ता उम्र दा दुख भोगना पैंदा। जो अज जशन ने अपने भाव व्यक्त किए हैं इस चिट्ठी दे जरिए वो भी बहुत कुछ दसदे हैं, पर सोचण ते समझण वाली गल आ कि उस माँ ते की गुजरेगी जिन उन्हूं संबोधन किया है, उहदे रिश्तेदारां ते उहदे चोण वाले या उहदे जिहड़े नाल दे परदे विद्यार्थी हैं उन्हां ते की बीतेगी। ते सब तो वड्डी गल आ कि आखिर इन्हां ते अंकुश किवें लगेगा, पर अंकुश लगाउण दे लई इहो जिहियां घटना ते सानू समाज दे विच लोकां विच सकारात्मक भाव फैलाना होएगा, लोकां नू चंगी नसीहत देनी होएगी, आले दुआले दा माहौल अपने परिवार दे नाल समाज दा माहौल भी पूरा पॉजिटिव करना होएगा क्योंकि ताही इहो दे बच्चें नू जिहड़े कदम चुकने पैंदे हन ओ उन्हां ते अंकुश लग सकता है। इकल्ले पढ़ाई दा मसला नहीं आ, होर भी कई फील्ड हन कैरियर दे विच या कई बड़े बड़े अभिनेता एक्टर डायरेक्टर या फिर बिजनेसमैन इहो जे मसले जिन्हां दे सामने आंदे ने, लेकिन तरह तरह के क्यास ते किस्से सुनाए जांदे ने, पर सब तो वड्डी गल आ कि इहो जे क्यास ते किस्से इहो जे सुसाइड नोट जिन्हां दी वजह ना बन ते इहो दीआं चीज़ां ते समाज दे विच लोकां नूं चंगी नसीहत ते चंगा गाइड करके ही रोकिया जा सकता है। ते जो तस्वीर इस सुसाइड नोट की तुहानू असी दसी ये तस्वीर है पंजाब के नाल लगते शहर अंबाला की जो कि हरियाणा सूबे दे विच पैंदा है। अंबाला का यह मसला है ते मुल्क भर दे विच उम्मीद करदे आ कि भविख दे विच एहो जे मसलियां ते अंकुश लगे तो समाज हित दे लई चंगा होवेगा। फिलहाल इस स्पैशल रिपोर्ट दे विच इन्ना ही, मैनू दे इजाजत, धन्यवाद।